अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में शराब का सेवन करने के बाद क्षेत्रीय लोगों के साथ गाली गलौज कर उत्पात मचाने वाले भाजपा के दबंग शराबी कार्यकर्ता द्वारा थाने पर शिकायत करने की बात करने वाले लोगों को SC ST एक्ट के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए जाने के बाद लोगों द्वारा अपने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के इश्तेहार लगाए जाने का मामला सामने आया है। शराबी भाजपा नेता की दहशत गर्दी के चलते उसके आतंक से परेशान क्षेत्रीय लोगों ने अपने अपने घरों की दीवारों पर इश्तेहार चिपकाते हुए लिखा है कि भाजपा SC मोर्चा के दबंग नेताओं के डर के कारण ये मकान बिकाऊ है। वहीं अपने घरों पर भाजपा नेता के डर से इश्तेहार लगाने वाले लोगों का कहना है कि भाजपा नेता रात को शराब के नशे में मोहल्ले के अंदर पहुंचकर इलाके के लोगों से गंदी गंदी गालियां लोगों को देते हुए घरों के बाहर बैठी बहन बेटियों के सामने पेशाब करते हुए माँ बहन की गालियाँ देता है। जब लोग विरोध करते हुए इसके खिलाफ थाने में शिकायत करने की बात करते हैं तो थाने पर उसकी शिकायत की बात करने वाले लोगों को SC ST एक्ट के फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन और पुलिस से क्षेत्रीय लोगों के साथ गाली गलौज फर्जी मुकदमे में फंसाने का डर और धमकी देने वाले भाजपा SC मोर्चा के दबंग नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। क्या मामला है और क्या करना है? ये मेरा नाम गौरव बाशने है और मैं एक पक्की सराय थाना सासनी गेट अंतर्गत मोहल्ला पक्की सराय का रहने वाला निवासी हूँ। यहाँ पे कुछ दिनों से कई महीनों से मामला ऐसा चल रहा है कि एक यहाँ का युवक है जिसका नाम अर्जुन माहौर है, जो कि आए दिन शराब पीकर यहाँ पर गाली गलौज करता है और उसकी अगर कंप्लेंट थाना सासनी गेट में की जाती है तो उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट की तो मैं तुम्हारे ऊपर SC ST का मुकदमा लगवा दूंगा फर्जी तरीके से। और ये भाजपा के युवा मोर्चा हैं SC का महामंत्री बताते हैं, जबकि हमने जानकारी की कि उसमें SC मोर्चा का कोई महामंत्री नहीं है। वो पता इसको सपोर्ट करने वाले कुछ SC मोर्चा के ही चंद नेता हैं जो कि सपोर्ट करते हैं उसको, जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। आज भी यहाँ पर क्षेत्र के अंदर हिंदूवादी सभी घरों में बाहर पोस्टर लगाए गए थे कि मकान बिकाऊ के, जिसमें प्रशासन वगैरह भी आए थे, थाना सासनी के इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित रहे थे। कुछ रजनी बाकी रहने वाली यही पक्की सराय। क्या घटना होती है यहाँ पे? ये होती है कि हमारे उधमबाजी करते हैं, गंदी गाली देते हैं, ना माँ बहन देखे ना बहन बेटी देखे, और पीती है उधमबाजियाँ करते हैं। कौन लोग करते हैं? माहौल अर्जुन माहौल। नहीं, ये जो लोग हैं ये किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है इनका? अर्जुन। इसके लिए आपने मकानों पर कुछ पोस्टर वगैरह लगाए थे? लगाए थे। तो किस तरीके के पोस्टर लगाए थे आपने? मकान बिकाऊ है, हम मकान क्या घटना हुई यहाँ पर? कोई बात नहीं, घटना होती है आखिरी नंगे नंगे बाहर बैठ रहे हैं, मुँह बैठे रंडी मंडी भोजपुरी वाले फलानो दुनिया भारी गाली पकते हैं। गंदी गंदी गाली गंदी गंदी गाली देता है वही कर वो अर्जुन माँ अर्जुन ये किसी घर है माँ इतनी दूर है जाके नहीं माँ से यहाँ आके नहीं जूझते किसी पार्टी से कल तो ना कह रही है किसी पार्टी से जुड़े हुए ये तो मैं जानती नहीं भाई मैं तो घर पे रहती हूँ ये पलंग है।